दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व है तो मैं कृष्ण जी के साथ मना रहा हूँ और राधा के साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सारे कृष्ण और राधा है। जय श्री कृष्ण। बोलो किसान कन्हैया भगवान की, राधा मैया की, किसान कन्हैया भगवान की, राधा मैया की, मुरली वाले की जय हो। जय श्री कृष्णा। वहाँ पे बोलो, जय श्री कृष्णा। वो सबरी को आउं तो का? हाँ। कहाँ को? आप के नहीं मारे हो? हाँ। नहीं नहीं होता। सबरी और गाना आउं तो का? वेदांत का। कहाँ को आउं तो? एक लाइन इधर तो याद दिवार था खाली। जपी रही। हाँ जपी रही। जपी आउं तो का? जपी मुझे आता है। हाँ। जपी रही जपी रही। जपी रही जपी रही। काई जपी रही। आई गो पुण्य सिखाए तो ये भैया ना थारा बचपन में। तो तू अभी थारो बचपन तो छे। अच्छा तो कहाँ को भी छे। जपी रही जपी रही। हाँ जपी रही हरि राम जी सबरी की कुटिया में आओ श्री राम जी। काई बात छे ताली। आरु कई नहीं आते दुख बस एक भजन आवे। हाँ। अरे भैया बहुत भजन आते हैं। तो दोस्तों देखो आज के जमाने में जहाँ बच्चे मोबाइल में सोशल मीडिया में समय व्यतीत कर रहे हैं, सारे त्योहार जो हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं। मोबाइल पर सब एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन पहले के समय में जैसे हम मोहल्ले में कोई त्योहार मनाया करते थे, आज वही दिन हमें फिर से याद आ गए। देखो इतने सारे बच्चे हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन देखो सब राधा कृष्ण बनकर पूरे मोहल्ले में सब घर आए हुए हैं और सबके यहाँ जन्माष्टमी देख रहे हैं। और इनको जो लेकर आए ना, ये हमारे खले जी हैं। ये हमारे हर काम में आगे होते हैं, बड़े व्यस्त हैं, उसके बावजूद हमारी कॉलोनी में सुबह से प्रभात फेरी निकलती है, उसमें भी भूमिका उनकी बहुत रहती है। कोई त्योहार हो कोई जुलूस हो उसमें भी बच्चों को भी बड़ा धर्म की शिक्षा देते हैं। आप क्या बता रहे हैं? राधा कौन? अब राधा राधा भी कुछ गाएंगी क्या? दोनों राधा, ये दोनों राधा है। अच्छा तुम्हारी मटकी बचा लोगे तुम लोग कन्हैया से? ए? ए कन्हैया।